पार्टी उम्मीद यह करती है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी संघर्ष यात्रा प्रारंभ की, उस लक्ष्य के साथ रहना चाहिए। जो सम्राट अशोक जिनके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं बिहार के आम आवाम को, जिनको दिल पर स्वीकार करता, उन पर कोई वैचारिक हमला करे, उसके साथ जाने का अगर कोई सवाल भी खड़ा करता है तो वैचारिक प्रतिबद्धता पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा पर अब जेडीयू के नेता सवाल उठाने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद जेडीयू के नेताओं ने साफ साफ बता दिया है कि जो पूरे बिहार के दिल में बसता है उसके ऊपर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर कहा था कि बीजेपी से जेडीयू के बड़े नेताओं के संपर्क हैं। इस पर नीतीश कुमार और ललन सिंह की सफाई भी आ गई। ललन सिंह ने तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा कि किससे किसका संपर्क है वो खुद बताएं। नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरीके के बयान और इस तरीके की बातों का हम नोटिस तक नहीं लेते हैं। चौतरफा घिरे नीतीश कुमार से अब जेडीयू के नेता सवाल पूछ रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि जिस विचारधारा से नीतीश ने संबंध तोड़ा, गठबंधन तोड़ा, उसके साथ जाने का सवाल कैसे है और यह अब बर्दाश्त भी नहीं होगा। देखिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कुछ कहा है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के सम्मानित नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, विलय के बाद उनका राजनीतिक समायोजन तो पार्टी ने गारंटी की, तो स्वाभाविक है पार्टी उम्मीद यह करती है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी संघर्ष यात्रा प्रारंभ की, उस लक्ष्य के साथ रहना चाहिए और साथ ही साथ राजनीति स्वाभाविक रूप से कोई आश्रय स्थल ही नहीं होता है। और जो सम्राट अशोक जिनके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं बिहार के आम आवाम को, जिनको दिल पर स्वीकार करता, उन पर कोई वैचारिक हमला करे, उसके साथ जाने का अगर कोई सवाल भी खड़ा करता है तो वैचारिक प्रतिबद्धता पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।